अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कुक विद गुलनूर, विच इज़ स्पेशली मेड फॉर कुकिंग लवर्स। आज हम बनाएंगे कॉफ़ी, जो मशीन के बगैर हम जो झागदार कॉफ़ी अगर हमारा पीने का मन कर रहा है तो हम घर पर उसको कैसे बनाएं, ये आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, सो गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो गाइस लेट्स स्टार्ट इट। कॉफ़ी बनाने के लिए हमें शुगर चाहिए, एक मग चाहिए और कॉफ़ी चाहिए, किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं। हम यहाँ पे नेस्कैफे की कॉफ़ी ले रहे हैं और थोड़ा सा पानी चाहिए और एक टीस्पून और एक बीटर चाहिए हमें झागदार कॉफ़ी बनाने के लिए। सबसे पहले हम शुगर को ऐड करेंगे मग में। यहाँ पे 2 टीस्पून हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें 2 कप कॉफ़ी बनानी है। शुगर को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा मीठी कॉफ़ी पीना है या कम मीठी पीना है तो आप अपने हिसाब से इसको लें, इट्स अप टू यू। इसी में हम कॉफ़ी को ऐड कर देंगे 2 टीस्पून, इक्वल रेशियो रखना है, सिंपल सा मेथड है ये। और इसके बाद हमें 2 टीस्पून ही वाटर ऐड कर देना है इसमें। अब बीटर की हेल्प से हम इसे बीट कर लेंगे। इसे 10 से 15 मिनट तक के बीट करिएगा तो ये बहुत ही अच्छे से गाढ़ा पेस्ट जब इसका होने लगेगा फेने की तरह, तब तक के हमें इसे बीट करना है। कॉफ़ी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है अगर आपको एनर्जी चाहिए। अगर आप काम करते हुए थक गए हैं तो कॉफ़ी पीना चाहते हैं ताकि आपको एनर्जी मिले, बहुत ही एनर्जी आपकी बूस्ट करती है कॉफ़ी। 1 कप कॉफ़ी आपके माइंड को बहुत ही अच्छी फ्रेशनेस देती है। कभी भी आप काम से थक जाएं तो कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, और अगर आपको नींद आ रही हो, आपका वर्क लोड हो, काम करना हो तो आप कॉफ़ी पी लें तो आपकी आँखें अच्छे से खुल जाती हैं। और अगर बिना मिल्क की हम कॉफ़ी यूज़ करते हैं बिना शुगर की तो वो हमारे वेट लॉस में भी हेल्पफुल होती है। स्पून की हेल्प से भी आप इसे बीट कर सकते हैं। आप एक बॉल में भी ये सब चीज़ें डाल के इसको बीट कर सकते हैं, किसी स्पून की हेल्प से भी कर सकते हैं। जब ये धीरे धीरे हमारा गाढ़ा होने लगेगा, फेनेदार हो जाएगा 5 मिनट के बाद, तब हम जो है बॉयल करके मिल्क को इसमें ऐड कर देंगे। धीरे धीरे कॉफ़ी की कंसिस्टेंसी देखिए थिक होने लगी है, इसे हमें 5 मिनट और करना है। सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बॉटल में डाल के आप उसे अच्छे से शेक कर लीजिएगा। उसे आप फ्रीज में स्टोर करके भी रख सकते हैं महीने भर के लिए। जब भी आपको बनाना हो, मिल्क बॉयल करिए और उसे निकाल कर 1 चम्मच डालकर आप 1 कप कॉफ़ी आराम से बना सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी कॉफ़ी अच्छे से बीट हो गई है। ये देखिए आपकी कंसिस्टेंसी, आपको इसके मैं कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ। ये देखिए गाइस कितनी थिक हो गई है हमारी कॉफ़ी, ये देखिए गाइस इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करिए, कितनी ज़बरदस्त, कितनी प्लफी ये बनकर तैयार हुई है। अब हम एक उसमें मिल्क बॉयल कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 2 कप। यहाँ पे हमने दूध ले लिया है जिसे हम अच्छे से बॉयल कर लेंगे। एक बॉयल आ जाएगा तब हम इसे सर्व करेंगे। इसमें यहाँ पर कॉफ़ी हमारी सर्व होने के लिए रेडी है। दूध में यहाँ पर एक बॉयल आ गया है, अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। दूध को हम इसमें डाल देंगे यहाँ पे।
इट इज़ जस्ट लाइक कैपुचिनो। गाइस ये देखिए कितनी अच्छी कॉफ़ी बनकर तैयार हुई, कितनी झागदार है, कितनी अच्छी सी है। गाइस ये कॉफ़ी इंजॉय करिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।